हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा था एंजाइम, उसमें आज अपन अध्ययन करेंगे एंजाइम के गुण, एंजाइम की क्रियाविधि और एंजाइम के उपयोग। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एंजाइम के गुण के बारे में। एंजाइम ठोस प्रकृति के होते हैं, जल लवण आदि में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। राइट? ठोस प्रकृति के होते हैं, जल लवण आदि में विलेय होते हैं। नंबर दो बात करें पर ये कोलाइडी प्रकृति के होते हैं और इनका आणविक द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है। ठोस होते हैं, जल लवण आदि में विलेय होते हैं, कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, आणविक द्रव्यमान अधिक होता है। नेक्स्ट बात करें अपन विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। कैसे? एक जैव रासायनिक अभिक्रिया को केवल एक ही एंजाइम उत्प्रेरित करता है। राइट? विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, एक जैव रासायनिक अभिक्रिया को केवल एक ही एंजाइम उत्प्रेरित करता है। राइट? नंबर चार, शरीर के तापमान व सामान्य पीएच जो कितनी होती है, 6 से 8 पर अधिक सक्रिय होते हैं। शरीर के तापमान व सामान्य पीएच 6 से 8 पर अधिक सक्रिय होते हैं। नंबर 5th पॉइंट, बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं और अभिक्रिया की दर 10 की घात 20 गुना बढ़ा देते हैं। क्लियर? बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, अभिक्रिया की दर 10 की घात 20 गुना मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये थे आपके एंजाइम के गुण। अब बात करते हैं अपन किसकी, एंजाइम की क्रियाविधि किस प्रकार होती है, एंजाइम कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, एंजाइम की जो क्रियाविधि है वो माइकलसन मेंटन दो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम की क्रियाविधि किसके द्वारा दी गई है, माइकलसन मेंटन दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रस्तुत की। दूसरी चीज, एंजाइम में क्या होते हैं, सक्रिय स्तर होते हैं, क्या होते हैं, सक्रिय स्तर होते हैं। राइट? और एंजाइम को अपन यहां किससे लिखेंगे, ई से लिखेंगे, ई फॉर एंजाइम। और इस सक्रिय स्तर कहां पर, क्रियाधार इसको अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट, क्या बोलते हैं,
सबस्ट्रेट, जिसको अपन किससे लिखेंगे बेटा, एस से, तो लिखेंगे अपन इसको एस से। एंजाइम में क्या होते हैं, सक्रिय स्तर होते हैं, वो क्या किसी भी अणु पर, और उसको क्या बोलेंगे अपन, क्रियाधार सबस्ट्रेट, इसको अपन लिखेंगे किससे, एस से, क्रिया करते हैं। एंजाइम में सक्रिय स्तर होते हैं, वो क्रियाधार सबस्ट्रेट मतलब एस से क्रिया करते हैं। कैसे क्रिया करते हैं और किस तरह से उत्पाद बनाते हैं उसके बारे में अपन आगे देखते हैं। ये एंजाइम की क्रिया विधि कितने पदों में होगी आपकी, टोटल चार पदों में होती है। कितने पदों में होती है, चार पदों में होती है। तो देखते हैं अपन स्टेप नंबर एक। स्टेप नंबर एक देखिए, इसमें क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण। ई फोर क्या लिखा था बेटा अपने, एंजाइम। एस फोर क्या था, सबस्ट्रेट क्रियाधार। क्या बनाएंगे अपने पास में, ई एस। क्या बनाएंगे, ई एस, मतलब क्या हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल की बात कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। स्टेप नंबर दो, स्टेप नंबर दो, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल का निर्माण, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल का निर्माण। तो यहां से ई एस किसमें चेंज रहेगा आपका, ई आई में चेंज होगा बेटा, ई आई में। ई आई का मतलब क्या हो गया, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल, क्या हो गया, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल। अब बात करते हैं अपन स्टेप नंबर थर्ड, जिसमें क्या होगा, एंजाइम उत्पाद संकुल का निर्माण, संकुल का निर्माण कैसे होगा, ई आई से क्या बनेगा आपका, ईपी। क्या बनेगा, ईपी, क्या बोलेंगे इसको, एंजाइम उत्पाद संकुल, क्या बोलेंगे, एंजाइम उत्पाद संकुल। और स्टेप जो आपकी फोर्थ है, उसमें क्या होगा, उत्पाद का निर्माण, क्या होगा, उत्पाद का निर्माण कैसे होगा देख लीजिए। उत्पाद का निर्माण ईपी से, ये आपका एंजाइम अलग हो गया और ये आपका पी बन गया। पी को अपन यहां लिखेंगे किससे, प्रोडक्ट, मतलब क्या हो गया, उत्पाद, क्या हो गया मतलब ये उत्पाद। आगे बात समझ में, अपन ने कहां से स्टार्ट किया था, एस से। एस क्या है आपका, क्रिया कारक क्रियाधार सबस्ट्रेट, और अंत में क्या मिल गया, उत्पाद। क्लियर, ई एंजाइम वापिस अपन को मिल जाता है, क्योंकि एंजाइम का कार्य क्या है, अभिक्रिया में भाग तो लेता है परंतु खर्च नहीं होता है, ऐसे कैसे ही बच जाता है। कार्य क्या हुआ आपका, जो क्रिया कारक है उसने किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका उत्पाद।
दोबारा देखते हैं स्टेप फर्स्ट में एंजाइम और सबस्ट्रेट मिला, क्या बना एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। द्वितीय पद में एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल किसमें ई आई आई फोर इंटरमीडिएट, उसको हिंदी बोलते हैं मध्यवर्ती, आई फोर इंटरमीडिएट, क्या है इसकी इंग्लिश इंटरमीडिएट, क्लियर मध्यवर्ती संकुल। और स्टेप थर्ड में ईआई से ईपी एंजाइम उत्पाद संकुल, और लास्ट में इसका निर्माण हो रहा है उत्पाद का ईपी से ई अलग पी अलग पी फॉर प्रोडक्ट उत्पाद का निर्माण। इस प्रकार एंजाइम की क्रियाविधि कंप्लीट हो जाती है, क्लियर। अब अपना आज का लास्ट टॉपिक है एंजाइम के उपयोग, बात करेंगे अपन एंजाइम के उपयोग। तो देखिए बेटा एंजाइम का मुख्य उपयोग किसमें होता है पाचन क्रिया में, किसमें होता है बेटा पाचन क्रिया में। आप खाना खाते हो तो खाना जो पचता है उसमें काफी एंजाइम, आपने भी पढ़ा था लार में कौन सा एंजाइम होता है टाइलिन, कौन सा होता है टाइलिन, आंत्र में कौन सा होता है माल्टेज, कौन सा होता है माल्टेज, उधर रस में कौन सा होता है पेप्सिन। तो इस तरह से अपने शरीर में काफी एंजाइम होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। तो बात करते हैं एंजाइम की उपयोगिता, एंजाइम की उपयोगिता सबसे पहले अपन बात करूंगा मैं पाचन में सहायक होते हैं, इसमें होते हैं पाचन में सहायक होते हैं, जैसे आपका कौन सा हुआ टाइलिन एंजाइम हुआ, पेप्सिन एंजाइम हुआ, ट्रिप्सिन एंजाइम हुआ, ये सारे आपके पाचन में सहायक होते हैं। और भी एंजाइम है जो पाचन में सहायक होंगे, टाइलिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, सभी एंजाइम लगभग पाचन में सहायक होते हैं। आगे बात करें रोगों के उपचार में या रोकथाम में, रोगों के रोकथाम में, रोकथाम में ऐसे एक रोग होता है एल्बिनिज्म, कौन सा रोग होता है एल्बिनिज्म रोग होता है, ये किसी कमी से होता है ट्रायोजिनेज, ट्रायोजिनेस एंजाइम की कमी से होता है, एंजाइम की कमी से होता है, क्लियर। रोगों के रोकथाम में रोग कौन सा हुआ एल्बिनिज्म रोग, किसी कमी से हुआ ट्रायोजिनेस या ट्रायोजिनेस एंजाइम की कमी से हुआ, अगर ये कमी नहीं रहेगी तो ये रोग नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका रोग के उपचार में, जैसे हृदय रोग उपचार में स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, इसकी बात करिए बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम किसमें हृदय रोग उपचार में क्या करता है रक्त के थक्के को विलेय करने में काम आता है, इसमें काम आता है रक्त के थक्के को विलेय करने में, कि जब हृदय रोग का उपचार चल रहा होता है उस टाइम में उसको स्टेप्टोकाइनेज की डोज दी जाती है, ताकि क्या हो कि जो ब्लड चल रहा हो उसका थक्का नहीं जमे, और जम भी जाए तो वो ये एंजाइम क्या कर देगा विलय कर देगा। इस तरह से एंजाइम क्या होती है उपयोग। प्रिय विद्यार्थियों आज की क्लास में अपन ने एंजाइम के गुण, एंजाइम की क्रियाविधि और एंजाइम की उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। धन्यवाद क्लास।